आजमगढ़ सदर लोकसभा क्षेत्र से सुहेलदेव पार्टी के सदर प्रत्याशी अभिमन्यु सिंह ने आजमगढ़ जिला प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सुहेलदेव पार्टी के सदर प्रत्याशी अभिमन्यु सिंह ने तो जिला प्रशासन को भाजपा का कार्यकर्ता तक कह दिया। उन्होंने कहा कि जब से गठबंधन टूटा है, जिला प्रशासन मेरे साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है और मेरे प्रत्याशी घोषित होने के बाद से ही लगातार आजमगढ़ जिला प्रशासन मुझे प्रताड़ित कर रहा है। अभिमन्यु सिंह ने कहा कि मुझे जिला प्रशासन द्वारा अब तक ऐसी कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है, जबकि नियम होता है कि विधानसभा में एक सुरक्षाकर्मी और लोकसभा में दो सुरक्षाकर्मी हर प्रत्याशी को दिया जाता है, चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी ही क्यों ना हो। अभिमन्यु ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन बार बार मेरी गाड़ियों को चेक करता है और मुझे प्रताड़ित करता है। अभिमन्यु सिंह ने कहा कि अभी तक मेरी एक गाड़ी का भी परमिशन जिला प्रशासन ने नहीं दिया है। वहीं बीजेपी अपने प्रत्याशी के साथ जगह जगह जनसभाओं में सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ झंडे और बैनर के साथ चल रही है, उस पर जिला प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। अभिमन्यु ने कहा कि दो दिन से लगातार जिला प्रशासन के चक्कर लगा रहा हूं, लेकिन मुझे अब तक एक भी गाड़ी की परमिशन नहीं दी गई है। अभिमन्यु सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन मुझे सुरक्षा मुहैया कराए, क्योंकि मुझे जान का खतरा बना हुआ है। भाजपा मेरे उतरते ही डर गई है, उसे डर है कि कहीं सुहेलदेव पार्टी मेरा नुकसान न कर दे, लेकिन वह नहीं जानते कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। अभिमन्यु सिंह ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के लोग स्थानीय प्रशासन पर दबाव बनाकर अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभिमन्यु ने कहा कि जिले के आला अधिकारी उन्हीं के इशारों पर काम कर रहे हैं, लिहाजा ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई कर उन्हें जिले से हटाना चाहिए, क्योंकि ऐसे अधिकारियों की मौजूदगी में निष्पक्ष मतदान नहीं हो सकता, लिहाजा चुनाव आयोग को इन्हें तत्काल जिले से बाहर करना चाहिए। और क्या कुछ कहा सुहेलदेव पार्टी के प्रत्याशी ने, आप भी सुनिए। क्या नाम है आपका? अभिमन्यु सिंह। पार्टी से प्रत्याशी हैं? मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से आजमगढ़ लोकसभा सदर से प्रत्याशी हूँ। आप जो है डीएम कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, क्या बात है? देखिए, हमको नॉमिनेशन के दिन भी परेशान किया गया था, उस दिन हमें लौटा दिया गया कि समय का अभाव है, आज समय बीत गया है, आपका नॉमिनेशन नहीं हो पाएगा। और कल शाम से मुझे जो है मीटिंग में, जबकि कल मीटिंग हुई थी 26 तारीख को, उसमें स्पष्ट किया गया था, डीएम साहब ने स्पष्ट किया था कि एक गाड़ी प्रत्याशी को मिलेगा जो पूरे वो जिले में कहीं भी जा सकता है, उसको पास मिलेगा। अब कल से मैं घूम रहा हूँ, एडीएम एफआर के यहाँ जा रहा हूँ, एडीएम एफआर से निवेदन कर रहा हूँ, लेकिन वो कल से मुझको दौड़ाया जा रहा है, कह रहे हैं कि सिर्फ जो रिकॉग्नाइज पार्टी है, जो नेशनलाइज पार्टी है, उन्हीं के प्रत्याशी को पास मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। आप लिखित दिए थे? हाँ, लिखित दिए हैं, हाथ में भी रखे हैं, लेकिन घूम रहे हैं कल से। तो क्या कर रहे हैं? दौड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं कि पास नहीं मिलेगा। क्या कोई लिखित आदेश आया क्या इन लोगों के पास कि नेशनल को ही दिया? ये कोई एक चुनाव आयोग का एक लेटर दिखा है, बोल रहे हैं कि अगर आप इंग्लिश जानते हैं उसको पढ़ लीजिए। मैं कहा मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा हूँ। क्या लिखा था उसमें? लिखा है कि एक गाड़ी मिलेगी आपको रिकॉग्नाइज पार्टी को। अब वो किसका आदेश था, कहाँ से था, वो नहीं लिखा है, बस एक पैराग्राफ हमको पढ़ा दिए। एक तरह से मतलब जो होता है कि आदमी को कुछ नहीं, मैं सुरक्षा के लिए भी अप्लीकेशन लेके घूम रहा हूँ। कल मैं मीटिंग में भी बोला था कि मुझको सुरक्षा मुहैया कराया जाए, मुझको भय है चुनाव प्रचार करते समय। रात हो जाती है, हमारा गठबंधन हम लोग के जो हुआ था भाजपा से 2017 में विधानसभा के लिए, लोकसभा में गठबंधन नहीं बन पाया, हम लोगों ने हर जगह चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम लोग कौन से भय है, कुछ भी कर सकते हैं। कहीं पार्टी से अलग होने का खतरा आप लोग? देखिए, उसका प्रमाण तो यही है ना, घूम रहे हैं, पास नहीं मिल रहा है प्रत्याशी को, पास नहीं मिला, एक गाड़ी का तो पास मिल जाए कम से कम, लग तो यही रहा है एक गाड़ी का तो पास मिलना चाहिए कम से कम, प्रत्याशी तो घूमे अपना, हमको यही घुमाएंगे तो हम क्षेत्र में कहाँ जाएंगे, इनके साथ 20-20 गाड़ियाँ, 25-25 गाड़ियाँ हैं, पता नहीं किस चेकिंग नहीं होती है, हमारी तो गाड़ी हर मोड़ मोड़ पे चेक किया जा रहा है। अच्छा, सत्ता की पार्टी प्रशासन, हमारे हिसाब से प्रशासन पूरा सत्ता में आके दबाव का करता है, सत्ता दबाव में। हमको पास नहीं मिल रहा है, देखिए मैं लेके घूम रहा हूँ, मैं सुबह से एक गाड़ी के लिए तरस रहा हूँ, एक गाड़ी का पास नहीं दिया जा रहा है, उनके सैकड़ों गाड़ी का काफिला, उनका गाड़ी का पास है कि नहीं है, बिना वो लोग घूम रहे हैं, कोई ना कहीं चेकिंग होती ना कुछ, मुझको अपने घर से निकलता हूँ तो जगह जगह चेक किया जा रहा है, मुझको कहा जाता है कि शर्ट भी चेक कराइए, मेरा पॉकेट चेक कराया जाता है, हर जगह परेशान किया जा रहा है। इनको भय है कि ये लोग चुनाव हार रहे हैं, लेकिन ये हमको ये लोग परेशान कर रहे हैं। अच्छा, इन लोगों को कहीं कहीं भय है कि ये पार्टी अलग हो गई है और हम लोग चुनाव हारेंगे, किसी तरह प्रताड़ित कर ही रहे हैं, हर जगह प्रताड़ित कर रहे हैं, शासन से प्रताड़ित कर रहे हैं, चुनाव नामांकन नहीं करने दिए, फिर 23 तारीख को हम आखिरी दिन नामांकन किए, ये लोग सोचे कि पर्चा कैंसिल हो जाएगा,
लेकिन हमारे ऊपर जब कोई FIR नहीं, इन लोग के ऊपर से FIR है, मुकदमा है, मेरे ऊपर तो कुछ नहीं था। अच्छा ये बताइए, जो आपके और भी प्रत्याशी हैं और भी जिलों से लड़ रहे हैं, तो उनका पास मिल चुका है? हाँ, उन लोग का पास मिला है। यहाँ पे दिक्कत है, मुझको बहुत दिक्कत है, मैं बताता रहा हूँ। देखिए मैं आपके सामने ले घूम रहा हूँ, देख सकते हैं, एक पास के लिए मैं तरस रहा हूँ, पास नहीं पास मिल रहा। तो डीएम साहब क्या बता तो दिया आपसे कि कल मीटिंग हुई थी, डीएम साहब ने स्पष्ट कहा कि एक गाड़ी प्रत्याशी को तीन गाड़ी मिलेगी पास में, पूरे जिले में कहीं भी जा सकता है। फिर आज मैं जब सुबह आया सब डॉक्यूमेंट लेके एडीएम FIR किया, तो वो नहीं कर रहे हैं, वो तमाम नियम का कानून का झांसा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि रिकॉग्नाइज पार्टी को देंगे, आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।